हमारा प्रयास था कि इको सीएसआर और ग्रोथ सेंटर इनके संयुक्त विद्यमान से हम लोगों ने जो भी दसवीं वाले बच्चे हैं उनका करियर कैसे हो सकता है, कि एक ही कन्वेंशनल कोर्सेज नहीं है, इतने कोर्सेज अभी है कि पता ही नहीं रहता है घर वालों को और स्टूडेंट को भी, तो उनकी जानकारी के लिए हमने ये करियर एक्सपो का काम किया था, इसका कार्यक्रम किया था। दूसरा ऐसा था कि हमने आठवीं नौवीं के बच्चों को भी बुलाया था इसके लिए कि वो अभी से उनको पता चले कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो दसवीं तक आते आते उनको समझ जाएगा कि वो कौन से स्ट्रीम में उनको क्या कोर्स करना है, कैसे उनका करियर बढ़ाना है वो हो सकता है। और दूसरी अच्छी चीज़ सुचिता मैडम ने ऐसे कही कि नौकरी ही करनी है ऐसा नहीं है, और बिजनेस करना ऐसा नहीं है, 90% मिलाने वाला और 50% मिलाने वाला उसमें कोई फर्क नहीं रहता है, ओनली ऐसा होता है कि हर एक को अपना फोकस होना चाहिए और अपने को क्या चाहिए ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है, इसका अच्छी तरह से मैडम ने मार्गदर्शन आज किया। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या करियर काउंसलिंग की जाएगी पर्सनल लेवल पे, अगर उस बारे में कुछ बताएं। जो कोर्सेस आए पालकांना माहित नसतं, विद्यार्थ्यांना माहिती नसतं, आजच्या या सेमिनारमधून पालकांनाही त्याची माहिती झाली की नुसतं 11वी म्हणजे आर्ट सायन्स कॉमर्स हे न घेता इतर वेगवेगळे कोर्सेसुद्धा या ठिकाणी आपल्याला करता येतील आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आपलं करिअर त्या ठिकाणी करता येईल। अतिशय महत्त्वाचं करिअर गायडन्स असतं, कारण की आठवी नववी दहावी विद्यार्थी नेहमी कन्फ्यूज असतात की पुढे जाऊन कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये गेलं पाहिजे। असं घडतं की माझा मित्र चाललेला आहे किंवा कुणीतरी काहीतरी सांगितलेलं आहे किंवा पाहिलेलं आहे म्हणून मला आर्ट्सला जायचं आहे, कॉमर्सला जायचं आहे, सायन्सला जायचं आहे, परंतु आता हा जो सुर्वे मॅडमने सुचिता सुर्वे मॅडमने आम्हाला गायडन्स केलं विद्यार्थ्यांना, त्यामुळे त्यांना विविध क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर होऊ शकतं, छोट्या छोट्या कोर्सेसमध्ये सुद्धा करिअर होऊ शकतं, त्यामुळे त्यांचे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाण्याची उत्सुकताही वाढू शकते आणि त्यांचंही नॉलेज विद्यार्थ्याला कळेल आणि त्याबरोबर पालकांनाही कळेल, हे दोघांचा शाळेचाही सपोर्ट, विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा सपोर्ट, त्यामुळे निश्चितच या करिअर गायडन्सचा उपयोग आपल्याला झालेला आहे आणि पुढे त्याची कन्सेप्ट ही करिअर गायडन्सबद्दल क्लिअर होईल। प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन विथ ESR फर्स्ट टाइम इन द कार्यक्रम, व्हाट आई रिकलेक्ट इन आवर टाइम व्हेन वी पास्ड आवर एजुकेशन यू ओनली 3 स्ट्रीम्स वर देयर, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। नाउ देर इज अ वास्ट ओपनिंग फॉर द स्टूडेंट्स दैट हैज बीन वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय द सुचिता मैडम, आई एम थैंकफुल टू दैट दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव अरेंज्ड दिस प्रोग्राम एंड वी होप दैट देर विल बी बेटर रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th स्ट्रीम। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जानी चाहिए क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कोर्स लेने के लिए, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना ज़रूरी है क्योंकि अभी करियर ऑप्शंस ज़्यादा हुए हैं, प्लस थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है कि कौन सा करें क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा हैं, और जैसे आपने कहा कि थोड़ा प्रेशर, आई थिंक वो सब जगह से है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो वो मार्क्स वो प्रेशर नॉर्मल है, नेचुरल है। तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स का काउंसलिंग से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और आप कौन से ऑप्शंस में जा सकते हो और किस तरह करियर को प्लान और डिसाइड करना चाहिए, अगर ये किया तो आई थिंक करियर्स एक्चुअली बन सकते हैं। सो स्टूडेंट और पेरेंट दोनों का होना ज़रूरी है और आज के इसमें पेरेंट्स का भी अच्छा खासा इंटरेक्शन रहा, सो आई थिंक दिस शुड हेल्प। ये मैसेज कहूँगी कि करियर कोई भी हो सकता है, आप थोड़ा उसमें फोकस रखें, आपके टैलेंट पर ध्यान दें, आपको जो इंटरेस्ट है उसको उसके ऊपर भी ध्यान दें और मेहनत करने की तैयारी रखें और इमीडिएट फीडबैक इमीडिएट रिस्पॉन्स की उम्मीद ना रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, करियर बनेगा और आप जिस तरह से करियर बनाओगे वही आपके लिए सक्सेसफुल करियर होगा। सो ऑल द बेस्ट।